Good morning, students. Tomorrow we were discussing about the Myasthenia gravis. So I hope कि सबको clear है what is Myasthenia gravis. एक बार फिर से हम लोग revise कर लेते हैं. Myasthenia gravis is a kind of disorder. It is a autoimmune disorder. Basically, chronic autoimmune muscular disorder which is characterized by development of abnormal antibodies on nicotinic receptors, right? तो इसमें अभी हमने क्या है, कल हमने डिस्कशन किया था Myasthenia gravis कैसे डेवलप होता है, क्या बेसिकली कौन कौन सी मसल्स हमारी इसमें अफेक्ट होती हैं. तो आज हम बात करेंगे अबाउट द सिम्टम्स ऑफ Myasthenia gravis. तो Myasthenia gravis क्योंकि हमारा क्या था, Myasthenia gravis मसल एंड प्लेट पर प्रॉपर सिग्नल नहीं पहुंचने की वजह से मसल हमारी वीक हो जाती हैं. कौन कौन सी मसल्स वीक होती हैं वो मैंने कल आपको बताया था. पहले आर्म्स, लेग्स, आईलेट्स, एक्सटर्नल ऑक्युलर, फेशियल और फेरिंजियल मसल्स अफेक्ट होती हैं, एंड लेट बाद में लिम्स और रेस्पिरेटरी मसल्स भी हमारी अफेक्ट हो जाती हैं. तो इसी के बेसिस पर हमारे सिम्टम्स हैं. तो सिम्टम में फर्स्ट आपका होता है ट्रबल टॉकिंग, बात करने में आपका प्रॉब्लम हो रहा है. क्यों? क्योंकि आपकी फेरिंजियल मसल्स भी अफेक्ट होती हैं, ठीक है. दूसरा है हमारा प्रॉब्लम वॉकिंग अप स्टेयर्स और लिफ्टिंग ऑब्जेक्ट्स, चलने में या किसी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करने में, उठाने में हमें प्रॉब्लम होता है. क्यों? क्योंकि हमारी आर्म्स और लेग्स की मसल्स भी अफेक्टेड है, राइट. थर्ड हमारी फेशियल पैरालिसिस हो जाता है क्योंकि हमारी फेशियल मसल्स भी यहाँ पर इन्वॉल्व हो रही थी. नेक्स्ट है आपका डिफिकल्टी ब्रीदिंग, सांस लेने में प्रॉब्लम होता है ड्यू टू मसल वीकनेस. हमने बताया था कि जो रेस्पिरेटरी मसल्स होती हैं वो भी हमारी अफेक्ट हो जाती हैं इस डिसऑर्डर में, इसलिए हमें सांस लेने में भी प्रॉब्लम होता है. नेक्स्ट इज डिफिकल्टी सोलोइंग और च्यूइंग, खाना निगलने में और च्यू करने में प्रॉब्लम होता है. क्यों? क्योंकि आपकी फेरिंजियल मसल्स भी इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है. फटीग, हमें बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है क्योंकि आपकी आर्म्स और लेग्स की मसल्स भी इन्वॉल्व हैं. हार्श वॉइस हो जाती है, ड्रॉपिंग ऑफ आईलेट्स क्योंकि आपकी आईलेट्स भी, आईलेट की मसल्स भी इन्वॉल्व है, तो इसलिए हमें ड्रॉपिंग ऑफ आईलेट्स का भी सिम्टम शो हो सकता है Myasthenia gravis में, ठीक है. तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द ड्रग्स यूज इन द Myasthenia gravis. कौन कौन सी ऐसी ड्रग्स हैं जिनको हम Myasthenia gravis में यूज़ कर सकते हैं. तो सबसे पहले हम वन बाय वन डिस्कशन करते चले जाते हैं. तो फर्स्ट इज एंटीकोलीन एस्ट्रेज, बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है. एंटीकोलीन एस्ट्रेज इज अ कैटेगरी जिसमें हमने कुछ ड्रग्स का एग्जांपल लिया जिनको हम Myasthenia gravis के ट्रीटमेंट में यूज़ कर सकते हैं. कौन कौन सी ड्रग्स हैं? तो एंटीकोलीन एस्ट्रेज में तीन ड्रग हमने यहाँ पे लिए हैं. फर्स्ट वन इज़ दी नियोस्टिग्मिन, नियोस्टिग्मिन इज अ एंटीकोलीन एस्ट्रेज. सेकंड पायरिडोस्टिग्मिन, नेक्स्ट इज फाइसोस्टिग्मिन. ये तीनों ही ड्रग हमारी एंटीकोलीन एस्ट्रेज कैटेगरी से बिलोंग करती हैं. अब हम देखते हैं ये ड्रग काम कैसे करती हैं. वापस हम इसी डायग्राम पे आ जाते हैं Myasthenia gravis. तो एंटीकोलीन एस्ट्रेज, मैंने बताया था कि जो मसल एंड प्लेट है, ये वाला जो हमारा मसल एंड प्लेट है, यहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट है? एक तो आपके निकोटिनिक रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, और जो ये ब्लैक वाला मैंने शो किया है दैट इज कोलीन एस्ट्रेज एंजाइम, राइट. दिस वन इज एसिटाइल कोलीन एस्ट्रेज. यहाँ पे एंजाइम भी प्रेजेंट होता है. इस एंजाइम का क्या फंक्शन बताया था? इस एंजाइम का फंक्शन बताया था मैंने, जो एसिटाइल कोलीन एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू रिलीज होकर साइनेप्टिक लेफ्ट में आता है, तो ये एंजाइम ड्यू टू द प्रेजेंट ऑन द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है, तो ये एंजाइम इस एसिटाइल कोलीन को मेटाबोलाइज कर देता है. किस किस में मेटाबोलाइज कर देता है? एसिटाइल कोलीन को ब्रेक कर देता है कोलीन में प्लस एसिटेट में. जब ये एसिटाइल कोलीन यहाँ पे ब्रेक डाउन हो गया तो ये यहाँ पे बाइंड ही नहीं कर पाएगा, और जब तक ये बाइंड नहीं कर पाएगा तो यहाँ पे हमारा मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगी, तो मसल वीकनेस हो गई है. दूसरा रीजन था हमारा एंटीबॉडी का प्रोडक्शन हुआ है, तो एंटीबॉडी जाके इसके प्लेस पे बाइंड कर जाती है, वो उसको यहाँ बाइंड नहीं होने देती है. तो हमारे यहाँ पे दो रीजन है. तो एक तो एसिटाइल कोलीन का मेटाबॉलिज्म होना, किसकी हेल्प से? एसिटाइल कोलीन एस्ट्रेज एंजाइम की हेल्प से. तो इसलिए हमने जो यहाँ पे फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग लिया है दैट इज एंटीकोलीन एस्ट्रेज. नाम से ही समझ में आ रहा है, ऐसी ड्रग जो कोलीन एस्ट्रेज एंजाइम के ऑपोजिट एक्शन करती हैं, एंटी एक्शन करती हैं. तो ये वाली तीनों ड्रग हमारी क्या काम करेंगी? एसिटाइल कोलीन एस्ट्रेज एंजाइम को इनहिबिट करेंगी. और जब एसिटाइल कोलीन एस्ट्रेज एंजाइम हमारा इनहिबिट हो जाएगा, यहाँ पे ये फंक्शन नहीं करेगा, तो एसिटाइल कोलीन मेटाबोलाइज नहीं होगा, और मेटाबोलाइज नहीं होगा तो वो जाके आपका निकोटिनिक रिसेप्टर से बाइंड कर सकता है. निकोटिनिक रिसेप्टर से बाइंड करेगा, सिग्नल प्रोवाइड करेगा, सोडियम आयन चैनल
इन्फ्लक्स होना स्टार्ट होगा और मसल कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करेगी, राइट। सेकेंड कैटेगरी हमारी ड्रग की ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, दैट इज द नेक्स्ट और सेकेंड चॉइस ऑफ द ड्रग। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या काम करता है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इनहिबिट द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज टू न्यूरोमस्कुलर निकोटिनिक रिसेप्टर, राइट। कल हमने देखा था मायसिन ग्रेविस में, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, क्योंकि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो भी डिस्टर्ब हो गया है और वो हमारा थाइमस ग्लैंड में एबनॉर्मल एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करता है। थाइमस ग्लैंड से एबनॉर्मल एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होता है और वो एंटीबॉडी साइनेप्टिक लेफ्ट में आती है और एंटीबॉडी जाके निकोटिनिक रिसेप्टर से बाइंड कर जाती है और निकोटिनिक रिसेप्टर से बाइंड करके क्रॉस लिंकिंग कॉज करती है, कॉज क्रॉस लिंकिंग टू द निकोटिनिक रिसेप्टर, और धीरे धीरे निकोटिनिक रिसेप्टर का जो नंबर है वो कम होता चला जाता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे। और जब निकोटिनिक रिसेप्टर धीरे धीरे हमारे डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाएंगे तो ऑब्वियसली हमारी मसल एसिटाइलकोलाइन बाइंड नहीं कर पाएगा और मसल हमारी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगी, ब्लंटिंग हो जाएगा, यहाँ पे वो साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे ब्लंटिंग हो जाती है, ठीक है। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो हम सेकेंड चॉइस ले रहे हैं ड्रग्स की, ये ड्रग हम क्यों लेते हैं? ये ड्रग इसलिए लेते हैं कि ये जाके आपका इम्यून सिस्टम की जो थाइमस ग्लैंड्स है वहाँ पे एक्ट करता है और एंटीबॉडी के प्रोडक्शन को रोक देता है। एंटीबॉडी का प्रोडक्शन जैसे ही इनहिबिट होगा तो वो रिलीज होना कम होंगी और वो जाके निकोटिनिक रिसेप्टर से बाइंड नहीं कर पाती हैं, राइट। थर्ड चॉइस है आपका प्रिडनिसोलोन, ये भी आपका ये काम करते हैं। प्रिडनिसोलोन मैं बता देती हूँ, मेन इंपॉर्टेंट है हमारी क्वान्टिटी 30 to 60 mg आपका पर डे, ये भी आपके एंटीबॉडी प्रोडक्शन के इनहिबिशन के लिए यूज़ होती है, राइट। नेक्स्ट हम ले सकते हैं इम्यूनो सप्रेसेंट्स, नाम से ही समझ में आ रहा है, इम्यूनो सप्रेसेंट्स ऐसी ड्रग्स जो इम्यून सिस्टम को जाके सप्रेस कर देती हैं, इनहिबिट कर देती हैं, तो वो भी हमारे अल्टीमेटली एंटीबॉडी के प्रोडक्शन को रोकेंगी। तो इसमें कौन कौन सी ड्रग्स हम ले सकते हैं इम्यूनो सप्रेसेंट्स? पहला है आपका एज़ाथियोप्रिन एंड साइक्लोस्पोरिन्स, दीज आर टू इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग्स विच कैन बी यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ मायस्थीनिया ग्रेविस, राइट। नेक्स्ट जो हमारा ट्रीटमेंट का प्रोसेस है दैट इज थायमेक्टोमी। थायमेक्टोमी क्या है? थायमेक्टोमी वर्ड इज रिलेटेड टू थाइमस ग्लैंड। थायमेक्टोमी का मतलब होता है सर्जिकल रिमूवल ऑफ द थाइमस ग्लैंड। जो हमारी थाइमस ग्लैंड है जो कि एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करती है उसको हम सर्जिकली रिमूव आउट कर देते हैं सो दैट देयर विल बी इनहिबिशन इन द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। जब एंटीबॉडी प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो वो जाके निकोटिनिक रिसेप्टर से बाइंड ही नहीं कर पाएंगे एंड द मायस्थीनिया ग्रेविस के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, राइट। तो इसको हम थायमेक्टोमी भी ऑप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज आईवी इम्यूनोग्लोबुलिंस, इंट्रावेनस रूट से हम इम्यूनोग्लोबुलिंस को देते हैं। ये किस लिए करते हैं? दिस थेरेपी प्रोवाइड्स द बॉडी विद नॉर्मल एंटीबॉडीज। अभी तक हमने जो पढ़ा था, पहले हमने ये पढ़ा था कि जो हमारा मायसिना ग्रेविस है, मायसिना ग्रेविस में क्योंकि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में एबनॉर्मल एंटीबॉडी का प्रोडक्शन हो रहा था, लेकिन आईवी इम्यूनोग्लोबुलिंस क्या है? इम्यूनोग्लोबुलिंस भी एंटीबॉडी के प्रोडक्शन में हेल्प करता है लेकिन ये आपका नॉर्मल एंटीबॉडी जनरेट कराने में हेल्प करेगी इम्यूनोग्लोबुलिंस, ठीक है। तो दिस थेरेपी प्रोवाइड्स द बॉडी विद नॉर्मल एंटीबॉडीज विच ऑल्टर योर इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स एंड इट इज नीडेड फॉर मोर सीवियर मायस्थीनिया। जब ज़्यादा सीवियर हमारी मायस्थीनिया ग्रेविस हो जाती है तब हम इसको यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ कर रहे हैं? ताकि हमारी नॉर्मल एंटीबॉडी का प्रोडक्शन हो सके, ठीक है। तो दैट इज द ड्रग्स विच आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ मायस्थीनिया ग्रेविस। ये हमारे कुछ ड्रग्स हैं जिनको हम मायस्थीनिया ग्रेविस के ट्रीटमेंट में यूज़ कर सकते हैं। नाउ हम देखते हैं डायग्नोसिस, मायस्थीनिया ग्रेविस की डायग्नोसिस के लिए हम कौन कौन से टेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने तीन टेस्ट बताए हैं। फर्स्ट आपका है एड्रोफोनियम टेस्ट, पहला टेस्ट है आपका एड्रोफोनियम टेस्ट। एड्रोफोनियम क्या होता है? बेसिकली एड्रोफोनियम क्लोराइड का इंजेक्शन दिया जाता है उस पेशेंट को जिसको मायस्थीनिया ग्रेविस होती है, ठीक है। जैसे ही हम इंजेक्शन उस पेशेंट को देते हैं एड्रोफोनियम क्लोराइड का, तो सडनली टेम्परेरी इम्प्रूवमेंट इन योर मसल स्ट्रेंथ, एकदम से ही हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करके मसल की स्ट्रेंथ को बढ़ाती हैं अगर हमने एड्रोफोनियम क्लोराइड का इंजेक्शन किसी मायस्थीनिया ग्रेविस के पेशेंट में दिया है। तो दिस इज एन इंडिकेशन दैट इंडिविजुअल मे हैव मायस्थीनिया ग्रेविस। एकदम से सडन आपका कॉन्ट्रैक्शन होता है मसल का आफ्टर हैविंग एड्रोफोनियम इंजेक्शन, तो हम कह सकते हैं कि पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम मायस्थीनिया ग्रेविस, ठीक है। क्यों होता है ये सडन आपका
मसल कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि जो एड्रोफोनियम क्लोराइड है, एड्रोफोनियम क्लोराइड एस्टाइल कोलिन जो आपका एंटी कोलिनेस्टरेज एंजाइम था, सॉरी कोलिनेस्टरेज जो एंजाइम था उसको जाके इनहिबिट कर देता है टेम्परेरी, और वो हमारा एस्टाइल कोलिन के मेटाबॉलिज्म को रोक देता है। तो टेम्परेरी यहाँ पे क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है मसल्स में। तो हमारा ये भी एक फर्स्ट टेस्ट है जिसको हम पता कर सकते हैं कि इसमें माइसिनिया ग्रेविस की डायग्नोसिस के लिए। सेकंड आपका टेस्ट होता है प्रोवोकेटिंग टेस्ट। प्रोवोकेटिव टेस्ट में क्या करता है, प्रोवोकेटिंग टेस्ट में माइसिनिया ग्रेविस के पेशेंट को डी ट्यूबक्रेरिन, जो कि हमारा स्मूथ मसल स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट होता है, डी ट्यूबक्रेरिन 0.5 mg IV इंजेक्शन दिया जाता है। 0.5 mg IV रूट से हम डी ट्यूबोक्रेरिन को देते हैं माइसिनिया ग्रेविस के पेशेंट में। तो इसमें क्या होता है, माइसिनिया ग्रेविस के पेशेंट में डी ट्यूबोक्रेरिन देने से मार्क्ड वीकनेस आती है, जबकि जो नॉन माइसिनिया ग्रेविस के पेशेंट हैं उनके अंदर कोई सिम्टम कॉज नहीं होगा। तो दैट इज ऑल्सो सेकेंड टेस्ट, प्रोवोकेटिव टेस्ट। नेक्स्ट हम कर सकते हैं डेमॉन्स्ट्रेशन ऑफ एंटीबॉडीज। डेमॉन्स्ट्रेशन ऑफ एंटीबॉडीज़ भी कर सकते हैं, कैसे होगा, जो हमारी निकोटिनिक रिसेप्टर एंटीबॉडीज़ होती हैं उसको हम प्लाज्मा का सैंपल लेंगे, ब्लड टेस्ट लेंगे, और उसमें हम एंटीबॉडी का नंबर चेक करा सकते हैं। ठीक है, तो नॉन निकोटिनिक रिसेप्टर एंटीबॉडीज़ इन दी प्लाज्मा और मसल बायोप्सी स्पेसिमिन इन दी मोर रिलायबल टेस्ट, एज ई मोर रिलायबल टेस्ट। तो ये भी हम कर सकते हैं, ब्लड टेस्ट कराएंगे, प्लाज्मा में हम एंटीबॉडी का नंबर चेक करा सकते हैं, प्रोवोकेटिंग टेस्ट कर सकते हैं। प्रोवोकेटिव टेस्ट में डी ट्यूबोक्रेरिन देते हैं माइसिनिया ग्रेविस के पेशेंट को 0.5 mg IV रूट से। नॉन माइसिनिया ग्रेविस पेशेंट में ये इनफेक्टिव होता है। और नेक्स्ट हम एड्रोफोनियम टेस्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।